वेलकम टू माय चैनल गाइस। ये सामने जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं, सब्जी मंडी सोलन है और इसके ठीक पीछे है पुलिस ग्राउंड। तो गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने ले आ सकूं। और यहां से बढ़ते हुए गाइस, मैं बता दूं कि सब्जी मंडी लगभग 1000 से 1500 मीटर की दूरी तक फैला हुआ है। और इसके आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं कथेड़ की ओर, और साथ में वहाँ पर कंपनी दी गई है। जितने भी कैंडिडेट प्लस टू पास है और जॉब वैकेंसियाँ जब निकल दी हैं, तो वहाँ प्लस टू बेस पे ही दिया जाते हैं और सैलरी 8000 से स्टार्ट होती है। तो गाइस, वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं जिसे जॉब की नीड होती है। लेकिन मैं बताऊँगा, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ होती है जो ऑनलाइन वर्किंग के लिए आपको 15 से 25 हज़ार पे करने का दावा करती है, बट वो सारी फ्रॉड होती है और उस फ्रॉड में आप फंस जाते हो। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि कहीं पे एडवर्टाइजमेंट देख कर आप वहाँ पे विज़िट कर लो, फिर आप पूरे फंस जाओगे। तो सामने देख रहे हैं आप शिवालिक कंपनी, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं शिवलवाड़ा रोड पे। तो मैं अभी खड़ा हूँ शिवलवाड़ा रोड पे, वही सामने रोड देख पा रहे हैं जो आप ले जा रहे हैं लेफ्ट साइड से, ये जाता है आपके रोड बस स्टैंड, और राइट साइड ये जाता है आपके न्यू बस स्टैंड, जहाँ से मैं अभी अभी आया हूँ। तो गाइस, फिलहाल हम चलते हैं ओल्ड बस स्टैंड की तरफ। ओल्ड बस स्टैंड से हम सीधा पहुँच चुके हैं यहाँ पे आपके बाईपास, जो जहाँ से एक रोड जाता है चंडीगढ़ की ओर और दूसरा जाता है आपके न्यू बस स्टैंड की ओर। अगर आप राइट हैंड साइड जाते हो तो आप जाते हो न्यू बस स्टैंड की ओर, अगर लेफ्ट हैंड साइड जाते हो तो आप जाते हो चंडीगढ़ बड़े रोड में। और साथ में ही वहाँ से दो रोड जाते हैं गाइज, एक जाता है आपका सपरून के लिए और दूसरा जाता है आपका जो नीचे की ओर कटता है, वो जाता है आपके अर्की कुनिहार सुबाथू की तरफ। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में, तो बन रहेगा वीडियो में, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो गाइज, फिलहाल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बहुत ही रिस्की वर्क रहता है गाइज उन वर्करों के लिए जो ही ये कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं। तो देखिएगा कितना रिस्की वर्क रहता है इन लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेकर ये हमारे लिए रोड बनाते हैं। इन लोगों के लिए सल्यूट है गाइज। ये देखो गाइज, किस तरह से रिस्क लेके ये सड़क बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्की वर्क रहता है इन लोगों के लिए, सल्यूट है गाइज। तो गाइज, चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे बसें लगी होती है चंडीगढ़ के लिए, और साथ में आपके यहाँ से भी आप डायरेक्ट ले सकते हो और न्यू बस स्टैंड से भी ले सकते हो, और यहाँ पे बाईपास आने पे आप यहाँ से बसें ले सकते हो। यहाँ से जो चंडीगढ़ के लिए बसें जाती है नालागढ़ बद्दी परमाणु की तरफ बसें जाती है, जो यहाँ पे भी स्टॉपेज है, तो यहाँ से भी बसें ले सकते हैं। और यहाँ से बढ़ते बढ़ते हम आगे की ओर चलते हैं, तो हम यहाँ पे, यहाँ से जो नीचे की साइड जो रोड जाता है, ये जाता है सुबाथू कुनिहार अर्की की तरफ, और अगर हम सीधा जाते हैं तो ये जाता है चंडीगढ़ की तरफ। और साथ में यहाँ से बढ़ते हुए आगे एक रोड आ जाता है लेफ्ट की तरफ, अगर आप सपरून या फिर आप सत्सम भवन की ओर जाना चाहते हैं तो लेफ्ट वाला रोड ले सकते हैं और बड़ी आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे पंद्रह को वीडियो में। तो गाइज, जो ये रोड आप अपने राइट हैंड साइड देख रहे हैं, ये जाता है चंडीगढ़ की तरफ और ये जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड जो रोड जाता है, ये जाता है रिवॉन की तरफ। और रिवॉन की ओर आगे बढ़ते हुए रिवॉन से थोड़ा पीछे पड़ता है आपका सुपरून के लिए, जो फेज़ वन के लिए रोड जाता है, और वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं सत्संग भवन की तरफ। तो गाइज, बने रहिएगा वीडियो, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो सुनिए ये वाली ऑडियो। तो ये उन लोगों के लिए है जो किसी के बहकावे में आ जाते हैं कि आपको, आप चाहे 10th प्लस 2 पास हो, आपको 15,000 से 25,000 सैलरी मिलेगी। तो गाइज, ये बिल्कुल फ्रॉड होते हैं, ऐसे बहकावे में बिल्कुल ना आए। तो सुनिएगा वीडियो में आगे। तो इसके लिए कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, कंपनी आना पड़ेगा, कंपनी में इंटरव्यू होगा क्या? हाँ जी,
तो आप मतलब कंपनी के मतलब कौन सी पोस्ट पे हो आप कंपनी में? कंपनी में सर मैं भी एम्प्लॉय हूँ, बट जो है अभी कंपनी में स्टाफ हायर कर रही है, उसके लिए कंपनी ने हायर को ऐड डाला था, जिसकी वजह से कंपनी ने ऐड डाला था। हाँ जी, कंपनी की तरफ से ऐड डाला है सब, मतलब जो भी हमारी कंपनी में स्टाफ नहीं, कंपनी की तरफ से मतलब कंपनी की तरफ से किसने ऐड डाला था वहाँ पे? सर कंपनी जिन्होंने ऐड डाला है उनसे बात हो रही है मेरी, जो कंपनी के ओनर है या फिर कंपनी के एचआरओ? नहीं सर, एचआरओ से नहीं हो रही, बट मतलब कंपनी में स्टाफ की जरूरत है, तो जो ओनर है यहाँ के कंपनी के, उन्होंने बोला कि स्टाफ हायर करो, देन जो जितना भी हमारी कंपनी में स्टाफ है यहाँ पे, उन सब ने अपनी जो भी सोशल मीडिया है या फ्रेंड है जो भी है, उनके उनके पास कॉल की, जिसके आना है वो इंटरव्यू देगा, 4 दिन ट्रेनिंग लगाएगा, उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा, अगर इंटरव्यू क्लियर करता है देन ज्वाइनिंग होगी उसकी। ट्रेनिंग प्रोसीजर बता दो फिर। ट्रेनिंग सर आपकी 4 दिन की होगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि वर्क कैसे करना है। अच्छा, सैलरी फर्स्ट डे से स्टार्ट होगी या फिर ट्रेनिंग के बाद होगी? ट्रेनिंग के बाद इंटरव्यू क्लियर करने के बाद इंटरव्यू होगा 4 दिन के बाद। इंटरव्यू तो पहले होना चाहिए, उसके बाद ट्रेनिंग होती है? नहीं सर, हमारे यहाँ पहले सिखाया जाता है जो भी काम करना है उसके बारे में सिखाया जाता है, देन उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग लिया जाता है। हाँ जी सर। अच्छा, गारमेंट का बिजनेस है? हाँ जी सर। ऑनलाइन बिजनेस होगा? यस सर। अच्छा, तो सर और एक बात बताइए मेरे को, इसमें कोई फीस फूस रहती है क्या, जो मतलब ट्रेनिंग पीरियड में आता है लड़का उससे कोई फीस फूस लेते हैं क्या? मतलब सर जो भी कैंडिडेट आपके यहाँ से ट्रेनिंग करता है 4 डेज की, ओके, तो 4 डेज की जो ट्रेनिंग होती है उसकी कंपनी फीस लेती है या फिर कुछ क्या है? सर मैं बता रहा हूँ आपको, देखो फॉर्म फीस ले जाती है 300 रुपए। वो किस चीज़ के सर? फॉर्म फीस है सर, फॉर्म फीस। सर फार्म फीस वही बता रहा हूँ ना, फार्म अगर कोई कंपनी हायर करती है किसी भी पर्सन को तो रजिस्ट्रेशन फीस क्यों देगा वो, जब वो वहाँ पे जॉब करने ही जा रहा है, रजिस्ट्रेशन तो किसी भी कंपनी में नहीं दिया जाता है। मैं वही तो बता रहा हूँ सर, आपको वो कंपनी का मान लो, आप कुछ भी मान लो, ठीक है सर? कैसे कुछ भी मान लो, मतलब कैसे मान लो सर, एक्सप्लेन तो कीजिए कम से कम, आपने पोस्ट कर दिया कम से कम, हमारे को एक्सप्लेनेशन तो चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रेनिंग चार्ज ही होता है वो, ठीक है सर? 4 दिन का 300। हाँ जी, ट्रेनिंग चार्ज। हाँ जी, मेरे को वहाँ के कंपनी का एचआर का नंबर मिल सकता है क्या? एचआर का नंबर मैं सर आपको बता रहा हूँ। तो गाइस, इस तरह से बातें की जाती है और बेवकूफ बनाया जाता है हम उन स्टूडेंटों को जिनको जॉब की ज़रूरत होती है। तो गाइस, इसने पहले बताया नहीं कि कितनी चार्ज होता है, ये तो मैं उससे बता रहा हूँ कि पूछ रहा हूँ कि कितना चार्ज देते हैं, वरना ये कभी नहीं बताते कि इतना चार्ज रहता है। सर इसमें आपको लेज वो तो सर आपको ट्रेनिंग का देना पड़ता है ना सर। सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जब कंपनी हायर कर रही है, ट्रेनिंग कंपनी के अंडर हो रही है, तो कंपनी ही उसी का पे करेगी ना, ना कि वो जो कैंडिडेट वहाँ पे ज्वाइन कर रहा है वो कैंडिडेट वहाँ पे पे करेगा। मैं आपको समझ लो, बताओ सर, मुझे ये बताओ सर, अगर मतलब 4 दिन की ट्रेनिंग की कोई जो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग देगा, हाँ जी, जो ट्रेनर है, जो एज ए ट्रेनर उस कंपनी में वर्क कर रहा है, आप वो बोल रहे हो कि आपको उसको फीस देनी पड़ेगी? सर वो भी तो अपना टाइम देगा ना सर, जो आपका ट्रेनर होगा कंपनी हायर कर रही है ना उसको कंपनी में, तभी तो वो ट्रेनिंग दे रहा है, ना कि वो बाहर से ले रहा है बच्चे और उनको 4 दिन की ट्रेनिंग और उनको छोड़ रहा है। कंपनी के अंडर जब वो वर्क कर रहा है तो कंपनी ने उसको हायर किया है कि आप ट्रेनर हो, एज ए ट्रेनर कंपनी में काम कर रहे हो, आप ट्रेनिंग कराओगे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे आते हैं। ओके, मैं मानता हूँ या तो फिर कैसे मतलब कैसे आपने वैकेंसी डालती? फेसबुक पे मैंने देखा था, मैं कहा बहुत सारी, एक ने भी नहीं, बहुत सारों ने डाला है। हाँ जी, तो मैं वो प्रोसीजर जानना था ना, जॉब की नीड तो हर एक इंसान की होती है। हाँ जी, मैं कैंडिडेट अगर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से आपसे कॉल कर रहा हूँ, अगर मैं ये मतलब मेरे को नीड होती कि मेरे को भाई जॉब की नीड है, ओके, ठीक है, मैंने तभी जाके आपको एप्लीकेशन भरा।
ठीक है, मेरी तरह कोई कैंडिडेट जिसको इस चीज का नॉलेज नहीं है, वो कैंडिडेट फॉर्म भरता है, आप उसको कॉल करते हो और उसके बाद वो वहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है। वहाँ जाके उसको पता लगता है कि 4 दिन की पहले ट्रेनिंग है। नहीं, ये तो हम पहले 300 रुपए फीस है, वो तो हम पहले क्लियर करते हैं। अगर किसी का मन हो तो आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है सर। हम आपसे थोड़े नहीं, जब बंदे को कैंडिडेट को आपने ये बोला कि 15,000 से 25,000 तक सैलरी है भाई, बंदा कौन नहीं करना चाहेगा सर जॉब। चलो मेरे को एक और प्रोसीजर बता दो सर, अगर मेरे को अच्छा लगा तो ठीक है। मेरे पास और भी बंदे थे, वो भी हम पीछे बहुत जगह देख रही थी जॉब है, मैं कहा यहाँ पे जॉब मिल रही तो ठीक है। 15,000 से स्टार्ट हो रही है, एज ए क्वालिफिकेशन हो रही है वो स्किल बेस पे। तो अगर ग्रेजुएशन या फिर कोई बीटेक होल्डर या फिर एमटेक होल्डर होगा उसको क्या मतलब क्या सैलरी रहेगी वहाँ पे? देखो सर, वो तो वर्क अकॉर्डिंग आपको, अगर आपका अच्छा वर्क रखता है तो आपको कोई भी पोस्ट मिल सकती है सर यहाँ पे। मतलब वर्किंग प्रोसेस के आधार पे ही दिया जाता है, ना कि आपके एजुकेशन के आधार पे दिया जाता है? हाँ जी, एजुकेशन का कोई मैटर नहीं है, ऑनलाइन वर्क है, तभी तो बता रहा हूँ सर। अच्छा, आपने बताया कुल्लू से सर, मैं बोला आपको पहले कॉल की मैंने, ऐसे थोड़े आपको मतलब ऐसे किया कि आपको आराम है, आपको आना है आना है ना, ऐसे तो नहीं किया सर मैंने आपको। नहीं, मैं तो सर मैंने एप्लीकेशन भरा है, मैं कैंडिडेट हूँ, मेरे को पूरा हक है कि मैं आपसे पूरे हर एक जानकारी लूँ। हाँ तो सर मैंने आपको प्रॉपर, हाँ आप सही हो बिल्कुल सर, मैंने आपको बताया तो सर, आपको मैंने कहा है कि वहाँ पे आना है, 4 दिन की ट्रेनिंग है, उसका आपको 300 रुपये पे करना पड़ेगा, बताया सर ऐसे। वो तो मैंने पूछा ना सर, वो तो मैंने ही पूछा आपको कि ट्रेनिंग का कुछ पे करना पड़ेगा। आपने मुझे बताया कि हाँ करना पड़ेगा, मतलब आपने बताया 300 रुपए पे करने पड़ेंगे, वो देने पड़ेंगे ट्रेनिंग को, एज ए जो ट्रेनर वहाँ पे वर्क कर रहा है उसको। नहीं, वैसे तो मैंने बताया सर आपको फार्म फीस देनी पड़ेगी। आप बोले कौन सा फार्म फीस क्या है क्या है, मैंने बोला मैंने बताया सर आपको मतलब फार्म फीस। अच्छा ओके, फाइनली हम आते हैं फाइनल पे, जो मतलब 4 दिन की ट्रेनिंग हो गई मेरी, फॉर एग्जांपल आफ्टर 4 डेज मेरा क्या बोलते हैं इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में मैं अगर क्वालिफाई करता हूँ, क्वालिफाई होने के बाद जो भी पोस्ट मेरे को मिलती है, सैलरी क्या मेरे को फिक्स रहती है या फिर नहीं रहती है? नहीं जी, वो भी वर्क के अकॉर्डिंग ही मिलेगी सर, ऑनलाइन वर्क है इस वजह से। अच्छा, एज ए वर्क मिलेगी, अगर मैं 200 का काम तो मेरे को 200 ही सैलरी मिलेगी, 500 का करता हूँ 500 मिलेगी। और एक और बात सर, उसके बाद जैसे गारमेंट्स का बहुत सारा मैंने बहुत देखा है, बहुत सारा सर्च किया है, जैसे चंडीगढ़ में आईपास जोन अकॉर्ड हो गया, आपके बहुत सारी कंपनियां ऐसी चली है जिसमें क्या पहले प्रोडक्ट को मतलब परचेज करना होता है, जो भी एज ए कैंडिडेट वहां पे वर्क करता है पहले उसको परचेज करना होता है। वो तो आप कुछ नहीं मान लो सर, वो तो परचेज, देखो वो जो कंपनी जो भी अपना कंपनी है वो ऐसे थोड़े कि भाई अपना जो सामान है वो कि और कंपनी का पहन के उसके ऑफिस में आओ काम करो, ऐसे थोड़ी कोई कंपनी चाहिए सर। अच्छा, मतलब मेरे को ट्रेनिंग के बाद मुझे वहाँ से कुछ सामान परचेज करना पड़ेगा? हाँ जी। कितने का अप्रोक्सीमेटली? वो तो सर आप पे डिपेंड करता है सर। नहीं, मिनिमम तो होगा सर, मिनिमम तो होगा रखा होगा, मैक्सिमम मिनिमम रखा होगा। मिनिमम सर वो तो आई नो सर, इतना तो नहीं पता, बट 5 से प्लस ही होता है सर। 5,000 प्लस? ओके, जैसे मतलब मैं आपके थ्रू आता हूँ कंपनी, तो उसमें आपका कमीशन सीधा सीधा कितना बनता है? मेरा कमीशन? हाँ जी, मेरा सर, मेरा मतलब मैं एक वहाँ पे मान लो वर्कर हूँ। ओके ओके, आफ्टर दैट अगर मैं किसी को ज्वाइन करवाता हूँ। ओके, मुझे पता लगे सर आपने किया है काम सर, ठीक है। मैंने नहीं करा सर, मैं रनिंग में भी स्टडी कर रहा हूँ, मेरे को नॉलेज हर चीज का था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ। चलो, गारमेंट में अक्सर फ्रॉड होते रहते हैं, तो दैट्स व्हाई मैं ये सिर्फ कंफर्म करना चाहता हूँ कि कंपनी मतलब कितना मिनिमम देती है आफ्टर ज्वाइनिंग का। मैं आपको बता दूँ, वो तो देखो वो तो आपके मतलब कई बार ऐसा हो जाता है, पर्सन आ जाता है इतने दूर से, आपने बता दी फीस, आपने मेरे को ये भी नहीं बताया कि उसके बाद परचेजिंग करनी होती है, ठीक है। पर्सन आ जाता है कुल्लू कहीं से भी आ गया, ठीक है, बंदा वहाँ पे आता है 300 फीस दे देता है, रूम ले लेता है, रूम लेने के बाद क्या हो जाता है कि 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो सिलेक्ट हो जाता है, मानते हो ना बात?
अभी तक उसने कमाया कुछ नहीं है, कंपनी बोल दी थी आपको इतना परचेजिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको जॉब आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो बंदा दिमाग पहले ही जॉब का मारा हुआ, उसको जॉब मिली तो वो मिली भी कैसी, उसके बाद वो दिमागी प्रेशर में चला जाएगा भाई, 5,000 देने पड़ेंगे, रूम का रेंट ले लिया, अब सब कुछ खरीद लिया है, अब तो 5,000 अरेंज करूंगा, 5,000 अरेंज करने के बाद बोलेगी कंपनी भाई इतने बंदे को जोड़ दो। नहीं ऐसे कोई टारगेट नहीं सर, बंदे बंदे जोड़ने का तो कोई टारगेट नहीं है ठीक है सर। क्लियरली मेरे को ये बताओ कि मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट रहता है? बताया तो सर मैंने आपको 5,000 + 300 रुपीज मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जॉब के लिए, जॉब के लिए। तो गाइस इस तरह से मेरी उससे बात हो रही थी, और तो उसने खुद ही बताया कि वो भी वहाँ पे वैसे ही फंसा हुआ है, उसने वहाँ पे जो परचेजिंग कर दी है कपड़े वगैरह जो भी होते थे वो ले लिए हैं, और उसके पास अब पैसे नहीं बचे हैं। तो गाइस मैं बता दूं कि ऐसे चक्र में बिल्कुल ना फंसें जहाँ पे इस तरह के फ्रॉड होते हैं, वरना आप उसमें पीस के रह जाओगे और आप आगे 100 बंदों को और बेकअप बनाओगे। बन रहेगा वीडियो में, लास्ट तक सुनिएगा उसकी जबानों क्या बोलते हैं। जो बताया मैंने खाना खाते रहो बस, रूम भी मिला और रूम में बड़े आराम से रहो जब तक आपको जॉब ना मिले। ठीक है ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, नाइस डे, ओके।